हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो? पिछले साल हमने ढेरों कहानियों और कुछ पहेलियों के साथ बहुत सारी बातें की थी। आप सबको कहानियां बहुत पसंद आई थी और आप सबने खूब प्यार दिया था। दोस्तों, कहानी एक ऐसा माध्यम है कि जो हमें बांधे रखता है और हमें कल्पनाओं की उड़ान भरने में मदद करता है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं ये कहानियों का दौर फिर से। बच्चों, अभी कोरोना के चलते हम बहुत सारे ऐसे काम नहीं कर पाते हैं जो हम करने के आदि हैं या हम हमेशा से करना चाहते थे। यह हम सब के लिए अलग है। यह समय मुश्किल है और दुखदायी भी, लेकिन हमें साथ मिलकर इस परिस्थितियों का सामना करना होगा। आपके लिए मैं समझ सकती हूँ कि ये बहुत बहुत मुश्किल है। आप कभी बहुत अकेलापन महसूस करते हैं या जो मन की बातें हैं अपने पापा मम्मी से या बड़े भाई बहन से नहीं कह पाते, उनको नहीं समझा पाते, चिड़चिड़ापन होता है या अंदर से कुछ खाली सा लगता है। इट्स ओके बच्चों, ये सब के साथ होता है। पता है, आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक छोटी सी लड़की सारा की। चलिए सुनते हैं सारा के साथ क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक पहेली, और उसका जवाब मैं दूंगी आपको कहानी के बाद। तो ध्यान से सुनिए इस पहेली को। छिपा हूं मैं आपके अंदर, छिपा हूं मैं आपके अंदर, ना मेरा रंग ना मेरा अंग, लेकिन छीन सकता हूं मैं आपका सुख चैन, लेकिन छीन सकता हूं मैं आपका सुख चैन, और कर सकता हूं आपको अपने ही अंदर बंद। तो क्या होगा ये, इसका जवाब सुनेंगे हम कहानी के बाद। तो आज की हमारी कहानी है सारा और उसके नन्हे भूत। ये कहानी लिखी है थियरे रॉब्रेक्ट ने, जो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी बेल्जियम में। उसका हिंदी अनुवाद किया है अवंती देवस्थले ने और उसको प्रकाशित किया है A&A बुक्स ने। तो शुरू करें कहानी। मम्मी मुझे अपने सारे गहनों के साथ खेलने देती है सिवाय एक के, और वह है एक हार जो मुझे बहुत पसंद है। कभी कभी मैं चुपके से मम्मी के कमरे में जाकर उसे पहन के देखती हूँ। वह बड़ा प्यारा सा हार जो मम्मी की मम्मी ने उन्हें दिया था। उफ, मैंने मम्मी का हार जमीन पर गिरा दिया। उसके मोती चारों तरफ बिखर गए हैं। अब मम्मी क्या कहेगी? फटाफट मैं सारे मोतियों को इकट्ठा कर लूंगी, फिर उन्हें मम्मी की अलमारी में डालकर कमरे से चली जाऊंगी। शायद उन्हें पता भी ना चले। ये तो पक्का है, मैं उन्हें कभी भी कुछ भी नहीं कह पाऊंगी। मम्मी ने मुझे उनके कमरे के कोने में परेशान देख लिया। वे मुझसे पूछने लगी कि सब ठीक तो है। एक पल के लिए लगा उन्हें सब कुछ बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही मैंने कहा नहीं नहीं सब ठीक है, तभी एक छोटा सा भूत मेरे मुंह से बाहर लपका। वह भूत कमरे में उड़ते हुए गा रहा है, मैंने तुम्हारा हार तोड़ा, तुम्हारा हार टूट गया है। मम्मी ने सुन लिया तो? लेकिन उसे चुप कराने की कोशिश की जरूरत नहीं है। एक मैं ही हूं जो उस भूत को देख और सुन सकती हूँ। शाम को पापा ने मुझे गोदी में उठाया। हर रात वे ऐसा करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से कैसे चिपक के बैठे जब हमारे बीच एक नन्हा सा भूत है। पापा की बाहें बहुत छोटी लगती है,
मैं अपने गालों पर उनका चूमना भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। कहाँ खो गई हो मेरी बच्ची, वे कहते हैं। रात को मैं ठीक से सो नहीं पाई। वह भूत मेरे पलंग के इर्द गिर्द उड़ते हुए गाता रहा, अब हार तो नहीं रहा, हार तो बेकार हो गया। पर तुम कौन हो, मैंने पूछा। मैं छिपा कर रखी बातों का भूत हूँ। मैं बार बार वही बातें दोहराता हूँ जो बच्चे बताने की हिम्मत नहीं करते। सुबह उठी तो देखा कि वह शैतान भूत मेरे पेट पर बैठा है। मम्मी पूछती है कि क्या मुझे पता है कि उनका हार कहाँ है। वे उसे हर जगह खोज रही है। मैं कहती हूँ पता नहीं, और लो एक और भूत मेरे मुंह से बाहर कूदता है। मैं स्कूल के लिए निकली तो अब मेरे पीछे थे दो भूत जो जोर जोर से मेरे कानों में चिल्ला रहे थे। मेरे दोस्तों ने देखा। मैं बहुत परेशान लग रही हूँ, क्या हुआ तुम्हें, उन्होंने पूछा। कुछ नहीं, मैंने कहा। और जी हाँ, अब तीसरा भूत भी निकला। टीचर ने पूछा कि मैं क्यों रो रही हूँ, और एक और। घर अब भूतों से भर गया है। अब यह सच में एक भूत बंगला लगने लगा है। मैं मम्मी से बात करने की कोशिश करती हूँ तो वे बहुत शोर मचाते हैं। वे मुझे पापा की बाहों में भी जाने नहीं देते, इसीलिए मैं एक छोटे से कोने में अकेली बैठी हूँ। लेकिन अब मम्मी को पता चल गया है कि बात क्या है। सारा, क्या इसका मेरे हार के साथ कुछ लेना देना है, वही हार जो मुझे मिल ही नहीं रहा। मैं हाँ में सिर हिलाती हुए जोर से रो पड़ती हूँ। अचानक सारे भूत गायब हो जाते हैं। आखिर अब मैं मम्मी को सब बता सकती हूँ। आखिर में क्या हुआ पता है? पापा ने मम्मी का हार ठीक करवा दिया। वे भूत अब भी कभी कभी आते रहते हैं। मैं मम्मी और पापा को हमेशा सब कुछ नहीं बता पाती, लेकिन अब हमारे बीच ढेर सारे भूत ना आए इस बात की कोशिश में जरूर करती हूँ, क्योंकि मुझे पापा की बाहों की गर्माहट बहुत पसंद है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? बच्चों, हम सब कभी ना कभी अपने अंदर ऐसे भूत को मिलते हैं, पालते हैं। इस भूत को हम जिद का भूत, झूठ का भूत या गिल्ट का भूत कह सकते हैं। चलो तय करते हैं कि हम अपनी बहादुरी से, सच्चाई से या किसी की मदद करके इन भूतों को अपने अंदर से भगा देंगे या भगाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये कहानी और ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आप पढ़ पाओ इसके लिए हमने क्यूरियस ककून नाम की एक बच्चों की लाइब्रेरी बनाई है, जिसमें आपको बहुत सुंदर किताबें पढ़ने के लिए मिलेगी। तो अब हम कल मिलेंगे। ओ हाँ, जानती हूँ पहेली का जवाब। अब ये कहानी सुनकर आपको पहेली का जवाब तो पता लग ही गया होगा। चलिए इसका जवाब हम एक बार पहेली पढ़ते हैं। पहले, छिपा हूं मैं आपके अंदर, ना मेरा रंग ना मेरा अंग, लेकिन छीन सकता हूं मैं आपका सुख चैन, और कर सकता हूं आपको अपने ही अंदर बंद। कौन हूं मैं? डर। हाँ बच्चों, डर जो हमारे अंदर होता है, जो हमें नई चीज़ें, नई कोशिशें करने से रोकता है। तो हम मिलकर भगाएंगे अपने डर को, प्रॉमिस मी। चलिए अब मिलते हैं नए एपिसोड में नई कहानियाँ, नई पहेलियाँ और बहुत सारी बातें लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।